a retrieved reformation, the furnished room और last leaf. ओ हेनरी की ये थ्री शॉर्ट स्टोरीज हैं, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं. आज मैं आपको इनकी समरी बताऊंगी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवल्स फॉर नॉवल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया ये फोर पार्ट सीरीज है और आज इसका थर्ड पार्ट है. इसमें ओ हेनरी की थ्री शॉर्ट स्टोरीज की समरी बताऊंगी. जो फर्स्ट स्टोरी है यानी जो सेवन्थ स्टोरी है उसका नाम है अ रिट्राइव रिफॉर्मेशन. ये कॉस्मोपोलिटन मैगजीन में 1903 में पब्लिश हुई थी और इसका जो टाइटल था, जो ओरिजिनल टाइटल था वो ये था अ रिट्राइव रिफॉर्म, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज हुआ, रिट्राइव रिफॉर्मेशन हुआ. तो जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है प्रिजन से. वहाँ पे जिमी वैलेंटाइन है, वो सेफ क्रैकर हैं और उनको 10 ईयर्स की प्रिजन हुई है, लेकिन 4 ईयर्स की सॉरी प्रिजन हुई है, लेकिन आफ्टर 10 मंथ वो प्रिजन से बाहर आते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं. प्रिजन में जाने से पहले उन्हें ये लगता है कि वो 3 मंथ में ही प्रिजन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो आफ्टर 10 मंथ 10 महीने के बाद बाहर आते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो सेम वो वैसे ही रहते हैं. लेकिन उनकी लाइफ में एनाबेल एडम की एंट्री होती है, जो वो उनसे प्यार करने लगते हैं एनाबेल से. तो वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो थीफ होते हैं, वो सेफ क्रैकर होते हैं, तो वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं. वो एक ऑनेस्ट और ऑनेस्ट इंसान बनना चाहते हैं. तो वो उनको ना वो शू बिजनेस स्टार्ट करते हैं. जब वो जेल में होते हैं, प्रिजन में होते हैं, तो उनको शू मेंड करने का काम दिया जाता है. तो वो अपना यही जो उनके अंदर वो अपना यही शू मेंड वाला काम, वो शू बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत वो सक्सेसफुल भी होते हैं. तो उसी टाइम ना वहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ होने लगती हैं. तो जो डिटेक्टिव होते हैं बेन प्राइस, उनको लगता है कि सब ये जिमी वैलेंटाइन ने किया है, लेकिन जो जिमी वैलेंटाइन है वो शू बिजनेस कर रहे होते हैं. तो वो अपना नाम भी बदल देते हैं, वो अपना एनाबेल को अपने नाम से, दूसरे नाम से वो अपना नाम चेंज करते हैं. वो अपना नाम रखते हैं राल्फ डी स्पेंसर. वो एनाबेल को अपने आप को वैसे इंट्रोड्यूस करते हैं एनाबेल से. तो उनके जो फादर होते हैं मिस्टर एडम, वो उनकी शादी के लिए अग्री कर जाते हैं. तो जो मिस्टर एडम होते हैं वो एक लोकल बैंक के ओनर होते हैं. तो वो बताते हैं जिमी को और अपनी जो उनकी डॉटर्स होती हैं कि हमारे बैंक में ना एक बहुत ही अच्छा सेफ इंस्टॉल हुआ है. जो सेफ होता है जो वो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल न्यू टेक्निक का सेफ इंस्टॉल्ड हुआ है. तो वो उनको दिखाने जाते हैं बैंक में. तो वहाँ पे जो उनकी एनाबेल की सिस्टर होती है, उनके बच्चे होते हैं अगाथा और मे. तो जो अगाथा होते हैं वो सेफ में फंस जाती हैं. तो वो जो एनाबेल होती हैं वो जिमी को कहती हैं कि रॉल्फ को कहती हैं कि तुम अगाथा को बचाओ. इससे पहले ना स्पीच में ये होता है, जो राल्फ होते हैं वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं कि मुझे वो केस होता है, टूल केस सेफ क्रैक करने का, उनके पास टूल केस होता है कि अब मुझे टूल केस की ज़रूरत नहीं है, तो तुम इसे ले जाओ यहाँ से. लेकिन जो उनका फ्रेंड होता है वो आता नहीं है. तो वो जो अपना टूल केस होता है ना, वो अपने साथ बैंक में लेके जाते हैं वो सेफ देखने. तो जब वो अगाथा फंस जाती हैं तो अपना वो टूल केस लेते हैं और उससे वो सेफ खोल देते हैं. तो उनको लगता है कि जो उनकी सच्चाई, जो उनका पास्ट होता है वो सबके सामने आ गया, अब उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका पास्ट सबके सामने आ गया है. तो वो ना वहाँ से जाने लगते हैं. तो वहाँ पे बेन प्राइस होते, जो डिटेक्टिव होते हैं बेन प्राइस, वो वहाँ खड़े होते हैं. तो वो कहते हैं कि सबने मुझे पहचान लिया है, लेकिन वो जो बेन होते हैं वो उनको देख के इग्नोर कर देते हैं. ये इसकी स्टोरी है. इसमें आप जब पढ़ेंगे तो जो बेन है, जो राल्फ है और जो एनाबेल उनके साथ है कि क्या होता है. तो ये इसकी स्टोरी है. जो सेकंड स्टोरी है वो है द फर्निश्ड रूम. द फर्निश्ड रूम स्टोरी है एक यंग मैन की. वो एक जो रूम ना रेंट पे लेते हैं मिस पर्डी क्या रूम रेंट पे लेते हैं. तो वो ना अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, तो वो उनकी तलाश में होते हैं. उनका कुछ पता नहीं चलता उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई. तो जिस रूम में वो, जो रूम वो रेंट पे लेते हैं ना एक हफ्ते के लिए, उनको ऐसा लगता है कि उनको वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेग्रेंस होती है और जो चीज़ होती है, एक आधी कोई चीज़ मिलती है जिससे उनको लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड यहीं ठहरी थी. तो वो मिस पर्डी से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे आपको कोई यहाँ पे लड़की दिखाई दी. तो जो मिस पर्डी होती है वो मना करती थी, लेकिन बाद में वो अपनी फ्रेंड को, मिस पर्डी इसमें बताती हैं स्टोरी में आगे, कि वो अपनी फ्रेंड को बताती हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की आई थी यहाँ पर और उसने, वो यहाँ रही थी.
तो बस ये इसकी स्टोरी है। इसमें पढ़ेंगे पता चलेगा कि उनकी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ और वो जो यंग मैन होते हैं वो उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते, तो ये इसकी स्टोरी है। उसके बाद जो थर्ड स्टोरी है वो है द लास्ट लीव। जो द लास्ट लीव है ना वो ग्रीनविच विलेज है वहाँ पे होती है वो स्टोरी। वहाँ पे ये जो स्टोरी का मेन सेंटर है वो ग्रीनविच विलेज है, वहाँ की स्टोरी है। उसमें एक यंग पुअर गर्ल है, वो बहुत ही बीमार हो गई, निमोनिया से बीमार हो गई है। उनका नाम है जोनसी। वो बहुत बीमार हो जाती है, उनको निमोनिया हो जाता है। वहाँ पे निमोनिया एपिडेमिक बहुत फैला हुआ है ग्रीनविच विलेज में, तो उनको निमोनिया तो बहुत बीमार है। तो उनकी खिड़की के बाहर वाली दीवार पे ना आईवी वाइन की बेल लगी होती है, आईवी वाइन लगी होती है। तो वो उनका ये मानना होता है कि जब इसकी आईवी वाइन की जितनी जो लीफ है ना जब वो सब झड़ जाएंगी तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो उनके नेबर होते हैं मिस्टर बेरम, वो क्या करते हैं जब लास्ट लीफ उसकी झड़ने वाली होती है तो वो उस दीवार पे लीफ बना देते हैं। तो और जो वो मिस जॉन्सी होती हैं वो बच जाती हैं। तो बस दैट्स इट, ये इसकी स्टोरी है। इसमें पढ़ेंगे पता चलेगा मिस्टर बेरम का क्या हुआ और लास्ट लीफ जो नाम पड़ा उन्होंने जो लीफ बनाई उसका क्या मतलब हुआ। तो बस ये इसकी तीन शॉर्ट स्टोरीज हैं। और जो इसकी ये थर्ड शॉर्ट्स जो ये थर्ड वाली स्टोरी है लास्ट लीफ, ये तो बहुत फेमस है। ये 1907 में इनकी वो द इनकी बुक रिलीज हुई थी, द ट्रिम लैम्प एंड अदर स्टोरीज। उसमें ये लास्ट लीफ भी आई थी। ये बहुत बहुत ही फेमस स्टोरी है लास्ट लीफ। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बहुत ही वैसे भी शॉर्ट स्टोरीज हैं इनकी और काफ़ी बच्चों ने पढ़ भी रखी हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज। तो ये भी पढ़ रखी होगी बहुत बच्चों ने, बड़ों के लिए भी है, पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। सी यू देन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।